सांपों की लाखों प्रजातियों में अधिकतर विषैले नहीं होते हैं। लोगों में इसे लेकर कई प्रकार की दंतकथाएं और भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। इसमें से एक अंडे और बच्चे देने वाले सांपों को लेकर भी शामिल है। कोई कहता है कि अंडे देने वाले सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो कोई बच्चे देने वाले सांपों में हज़ार गुना जहर होने का दावा करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने बात की है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट महादेव पटेल से। उन्होंने हमें बताया है कि सांपों में प्रजनन की दो प्रमुख विधियां हैं। कुछ सांप अंडे देते हैं, जबकि कुछ सांप सीधे तौर पर बच्चों को जीवित जन्म देते हैं। महादेव बताते हैं कि इनकी खतरनाकता उनके प्रजनन विधि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके जहर के प्रकार और मात्रा, आक्रामकता और काटने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत में हजारों प्रकार के सांप पाए जाते हैं, उसमें से मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। इनमें अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले दोनों प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इसमें अपने यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोबरा, करेत और बहुत सारे गार्डन स्नेक्स हैं, जिनमें चेकट किलबैक हो गया, ब्रोंजबैक हो गया। ये सांप सीधे अंडे देते हैं और अपने अंडों की रखवाली करते हैं और उनमें से बच्चे निकालते हैं। और रसल्स वाइपर हो गया, सॉस्केल्ड वाइपर हो गया, ये भी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अजगर के बारे में भी लोग कहते हैं कि अजगर सीधे बच्चों को जन्म देता है, पर सीधे बच्चों को जन्म नहीं देता है, वो भी अंडों के माध्यम से ही बच्चों को जन्म देता है। पहले अंडे होते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं। जहरीला ज़्यादा कौन सा है, मतलब अंडे देने वाला या सीधे बच्चे देने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा और कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो कितना वेनम देगा और कितना जहर आपके ऊपर प्रभाव करेगा। आमतौर पर कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, स्वास्केल्ड वाइपर, ब्लैक मांबा सर्वाधिक जहरीले माने जाते हैं। ऐसे में सांप की खतरनाकता का उनके अंडे देने या बच्चों को जीवित जन्म देने से कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही किसी भी सांप को देखकर उसकी खतरनाकता का निर्धारण उसके प्रजनन विधि से नहीं, बल्कि उसके विष और व्यवहार से किया जाता है। देखिए, ये सवाल जो है अच्छा भी है कि सांप एक बार में कितनी बार बाइट कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सांप अगर ज़्यादा गुस्से में है तो वो बार बार बाइट करेगा, बार बार आपको काटने का प्रयास करता रहेगा जब तक कि वो थक न जाए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जैसे इंसान हुआ, जानवर हुआ, कोई भी अगर सांप के ऊपर किसी प्रकार से पाँव रख देगा, अनभिज्ञता बस कह लो कि कुछ भी लापरवाही बस कह लो, अगर पाँव रख दिया है, व्यक्ति खड़ा होकर उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैंने किसी सांप के ऊपर पाँव रखा है, तो सांप जब तक अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा तब तक उसको काटता रहेगा। क्योंकि सांप का जो जहर है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिफ़िल कर लिया, उसको बनने में समय लगता है, तो वो अपने जहर को कम से कम मात्रा में ही यूज़ करना पसंद करता है कि अपने शिकार की, मतलब जैसे शिकार जितना, मतलब जिस प्रकार का शिकार होगा उस प्रकार से वो उसके अंदर जहर डालेगा। अगर छोटे शिकार है तो थोड़ी सी मात्रा में ही जहर देगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को मतलब जान का खतरा है या फिर किसी प्रकार का वो और मुझे बचने के लिए ही बाइट करना है, तो वो फिर अपने हिसाब से, जैसे बेबी कोबरा के बारे में कहा गया है कि बेबी कोबरा बाइट फॉर किल, ये इसलिए कहा गया है कि उसके पास शरीर में जितना भी जहर है विष ग्रंथियों में, वो अगर बाइट करेगा तो पूरा जहर डाल देगा, उसको उसके जहर का अनुमान ही नहीं है कि वो कितना दे रहा है। जब सांप को ऐसा लगता है कि कोई खतरा है तब वो बार बार बाइट करता है। खासकर बेबी कोबरा की बात की जाए तो इसे किल फॉर बाइट भी कहा जाता है। जब बेबी कोबरा को खतरा महसूस होता है और वो बाइट करता है यानी कि काटता है, तब उसे यह नहीं पता चलता है कि कितना विष छोड़ना है और कितना नहीं छोड़ना है। बाइट करते समय विष ग्रंथियों में जितना जहर होता है वो पूरा एक बार में ही छोड़ देता है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की स्पेशल रिपोर्ट।